तो फाइनली दोस्तों मेरे पास भी आ गया है MIUI 9.0.5.0 का लिंक, जिस तरीके से आप इसको अपडेट कर सकते हैं। तो मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर ली है, आपको सिंपली जैसा मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ उस तरीके से अपने अपडेटर ऐप में जाना है, थर्ड आइकन में जाना है, वहाँ पे चूज़ अपडेट पैकेज करके जहाँ कहीं भी आपकी अपडेटेड फाइल जो डाउनलोड करी है आपने वो मिलती है, आपको वहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गेट इन इन्फो आएगा, फिर डिक्रिप्शन आएगा और आपका ये अपडेट हो जाएगा। इसमें मैं एक बात बता दूं, अगर आपका फ़ोन किसी तरीके से भी ब्रेक हो जाता है या कहीं फंस जाता है तो मैं उसमें ज़िम्मेदार नहीं हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से ये खुद कर रहे हैं। ये अपडेट है लेटेस्ट जो MIUI 9.0.5.0 का स्टेबल अपडेट है जो आने वाला है फ्यूचर में, ये उसका ही लिंक है। फ़िलहाल ये क्लोज़ बीटा के लिए है, सो अभी मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, तो आप चाहो तो इसको अपडेट कर सकते हो और फ्यूचर में ये आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं अपडेट होने के बाद कि इसमें आपको क्या खास देखने को मिलता है, देखते हैं कि क्या क्या खास आपको यहाँ पे अपडेट में, नेक्स्ट अपडेट में मिलेगा। वैसे वादा तो कई किए हैं, ज़ामीन है कि आपको कई चीज़ें देखने को मिलेगी, लेकिन चलिए इस अपडेट को हो जाने देते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या चीज़ आपको यहाँ पे खास देखने को मिलती है। तो 56% डिस्क्रिप्शन हो गया, डिक्रिप्टिंग हो गया है। उसके बाद जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाती है, रिबूट होगा, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या खास आया है और क्या अपडेट आपको इसको करनी चाहिए या इस अपडेट को आपको स्किप कर देना चाहिए, और क्या अपडेट ये आएगी भी आपके फ़ोन में या नहीं आएगी। तो आप इसको, आप चाहो तो आप अपडेट फाइल डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं फाइनली मेरा फ़ोन अपडेट हो गया है MIUI 9.0.5.0 में। तो मैंने अभी आपको फुल प्रोसेस बता दिया आप कैसे कर सकते हैं, तो इस बार भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था कि MIUI 9 में अपडेट कैसे करना है। तो उसके बाद देख लेते हैं व्हाट्स न्यू में, अगर आपको नया क्या देखने को मिलता है तो उसमें बस सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन और कुछ फिक्स देखने को मिलते हैं। ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो इम्प्रूव ऐप लॉक सिक्योरिटी लेवल, फिक्स की बात करें तो इशू विद साउंड इन साइलेंट मोड, और एक और फिक्स है कि कॉन्टैक्ट नेम्स वरेंट शोन इन कॉल हिस्ट्री। तो ये छोटे मोटे फिक्स हैं। उसके बाद मुझे लगा था कि इसमें आपको नोटिफिकेशन का जो पैनल है उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, लेकिन 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 यार मेरे दोस्तों, कोई भी चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिले हैं। तो ये अपडेट मेरे ख्याल से वेस्ट ऑफ इंटरनेट है और वेस्ट ऑफ टाइम है आपका, तो आप इस अपडेट को स्किप कर सकते हो। तो अभी ये फाइनल नहीं है कि यही अपडेट आपको मिलेगी MIUI 9 की नेक्स्ट अपडेट, क्योंकि ये क्लोज बीटा अपडेट थी। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए ही लिंक निकाला है, अगर अब भी आप ट्राई करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपके फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं फिर से एक बार बता दूँ आपको कैसे करना है, तो आपको यहाँ पे जाना है थ्री डॉट में और चूज़ अपडेट पैकेज करके आपने जहाँ कहीं भी अपना डाउनलोड करा है वहाँ पर जाके आपको चूज़ कर लेना है। तो उसके बाद आप चूज़ करेंगे डिक्रिप्ट होगा और उसके बाद आपका फ़ोन रिबूट होगा, रिबूट में आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। तो यहाँ आपको एक्सप्लोरर भी वैसे ही पुराना देखने को मिलता है और ये भी अभी कुछ खास फास्ट नहीं हुआ है और स्लो हो गया है, या और स्लो हो गया। आप देख सकते हैं कब से खुला है और इतनी देर में अभी तक लोड लिया है, और इसके बावजूद भी अभी आपको यहाँ पे पूरी इन्फो नहीं दिखा रहा है कि कितने ऐप आपके यहाँ पे ओपन हैं और कितने म्यूज़िक हैं, कितने आर्चीव्स हैं, कितने इमेज हैं, कितने डॉक हैं, ये अभी तक आपको कुछ नहीं दिखा रहा है। रिसेंट हालांकि खुल गया है और स्टोरेज भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ऐसी कुछ खास यहाँ पे अपडेट नहीं आई है। हालांकि अगर आपको एक्सप्लोरर में प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने वीडियो बनाई थी, आप ये एक्सप्लोरर डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कितनी स्पीड से ये ओपन होता है और यहाँ पे कितनी अच्छी तरीके से वर्क करता है। उसके बाद अगर हम बात कर लें यहाँ पे आपको जो फिक्स दिया गया था, अभी भी कॉन्टैक्ट्स में कुछ फिक्स नहीं आए हैं, आपको डबल कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं जो कि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। उसके अलावा यहाँ पे लिखा है कि आपको सिक्योरिटी में कुछ अपडेट मिलती है, तो यहाँ पे यार ऐप लॉक में आपको कुछ थोड़ी मोड़ी अपडेट देखने को मिल जाएगी, उसके अलावा आपको कुछ यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, और वो अपडेट भी बस ऑप्टिमाइजेशन है और ऐसी कोई खास अपडेट नहीं है। तो यही थी यार, कुछ ऐसी ही अपडेट है। तो पता नहीं इस टाइम MIUI क्या कर रहा है और कब हमको, कब देगा ये ऐसी अपडेट जो यार फाइनली फाइनली कभी भी जो स्टेबल होगी। स्टेबल के नाम पे वही यार घिसी पिटी बेकार अपडेट देता है जिसमें आपको कुछ भी नया देखने को नहीं मिलता है। तो ये अपडेट शायद आपके में आ जाए बहुत ही दिनों में यार, नेक्स्ट फ्राइडे को,
अगर नहीं आती है तो मैं आपको बता दूंगा अगर ये कैंसिल हो गई अपडेट किसी कारण, क्योंकि इसमें कुछ खास तो दिया नहीं है, तो आई थिंक ये अपडेट में भी कैंसिल हो जाएगी क्योंकि ये सिर्फ क्लोज बीटा के लिए आई थी और हो सकता है ये कैंसिल हो जाए, तो हो जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको कर लेंगे तो आपको नेक्स्ट अपडेट देखने को नहीं मिलेगी, आपको सारी अपडेट देखने को मिलेगी। तो अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हैं जस्ट फॉर ऐसे ही तो आप इसको कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप इसको अपडेट स्किप भी कर सकते हैं। तो मेरा मेन मोटिव आपको बताना था कि क्या आपको नया इस अपडेट में देखने को मिलता है, तो आई थिंक कि मैंने आपको वो सही से बता दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यार लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो करना भूलिएगा ही नहीं। मैं मिलता हूँ आपको उसी तरीके की नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।